केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा के अनुसार शहर विभिन्न चौक चौराहों पर जिला पुलिस की सख्ती देखी गई। खुले दुकानों को बंद कराते हुए बेवजह घूम रहे लोगों पर चला पुलिस का डंडा। सैकड़ों बाइक और ऑटो को जब्त किया गया है, वही बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी सख्ती की गई। प्रभारी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सप्ताह के दो दिन शनिवार और रविवार को मेडिसिन और दूध की दुकानों को छोड़कर पूर्णतः लॉकडाउन रखेगा। उसी कड़ी में लॉकडाउन को पालन करते हुए बाइक ऑटो सहित अन्य वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। सर, क्या अभियान है, किस तरह से काम किया जा रहा है? आप वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सरकार का भी आदेश है जी, शनिवार और रविवार को पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा। कोई भी टेम्पू, मोटरसाइकिल इमरजेंसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। अगर चलेंगे तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। मोटरसाइकिल के चाबी हम लोग निकाल कर रहा है और ये अनुरोध कर रहा है, उनको हिदायत कर रहा है कि बेवजह घर से ना निकले, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाहर अगर निकलते हैं शनिवार और रविवार को तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी दिन की तरह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन शनिवार और रविवार पूरे मुजफ्फरपुर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर निकले के सख्त किस तरह की कार्रवाई की गई है? कार्रवाई की गई है कि हम चाबी निकाल ले रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि बे मतलब के घर से ना निकले, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जहां भी निकले मास्क पहनकर निकले ताकि संक्रमित नहीं फैला जा सके। सर, लोग बार बार निकल रहे हैं, अपील होने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे तो इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे, जब्त करेंगे मोटरसाइकिल को, जब्त करेंगे, जो भी होगा विधिवत कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का पालन शनिवार और रविवार को जो कर्फ्यू है किसी भी कीमत पर लागू होगी और हम लोग उसका अनुपालन करवाएंगे।